नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कांस्टेबल परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। आखिर वो दिन आ ही गया जब 14 और 15 जुलाई यानी शनिवार और रविवार के दिन पूरे राजस्थान के अंदर दोनों दिन सुबह और दोपहर की दो दो पारियों में यानी चार पारियों के अंदर कांस्टेबल की परीक्षा होने जा रही है। आपने इंतज़ार भी बहुत किया, दो तीन साल से विज्ञप्ति की खबरें, भर्ती की खबरें, उसके बाद 19 अक्टूबर 2017 को कांस्टेबल की भर्ती का रिलीज होना, फिर मार्च के अंदर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होना, फिर परीक्षा का रद्द होना और अब आखिरकार वह समय आ ही गया जब 14 और 15 जुलाई को आपके भविष्य का फैसला होने वाला है। मैं तमाम अभ्यर्थी जो कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं उन तमाम अभ्यर्थियों को मेरी ओर से और 22 टीम की ओर से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी अभ्यर्थियों को। निश्चित रूप से आप सभी एक नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं, वर्दी आपका साथ जरूर देगी, कांस्टेबल की वर्दी आपको मिलेगी और आप राजस्थान पुलिस बेड़े का हिस्सा बनने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं हमारे अभ्यर्थियों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। कांस्टेबल परीक्षा के लिए हमारे जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने पूरे दमखम से और ईमानदारी से तैयारी की है, कई अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती की सूचना जब दो ढाई साल से आ रही है तभी से तैयारी में लगे रहे होंगे, कुछ अभ्यर्थी विज्ञप्ति आने के बाद इस तैयारी में जुटे होंगे, कुछ अभ्यर्थी दो चार महीने पहले इस तैयारी में जुटे होंगे, लेकिन जो जो अभ्यर्थी भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए, किसी भी प्रकार के नकल के झांसे में ना पड़े, आप किसी भी प्रकार की सेटिंग में विश्वास ना करें। आप अगर विश्वास करें तो अपने दिमाग पर, अपनी तैयारी पर, आप अपने गुरुजनों के दिए हुए मार्गदर्शन पर भरोसा करें। आपने चाहे राजस्थान के किसी भी जिले में आप रहते हैं और चाहे आप किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़े होंगे या आपने हैंड रिटन घर पर नोट्स बनाए होंगे या घर पर पढ़े होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम है, 13 जुलाई रात तक, 15 जुलाई को एग्ज़ाम है, 14 जुलाई तक आप नए मटेरियल को पढ़ने के बजाय उन्हीं चीज़ों को पढ़े जो आपने पिछले जो लंबी तैयारी कर रहे हैं दो ढाई साल में पढ़ा है, जो भर्ती के बाद पढ़ रहे हैं वो 6-7 महीने में पढ़ा है, जिन्होंने भी जो भी तैयारी पहले की है आप उसी को वापस रिवाइज करने का प्रयास करें नए मटेरियल को, क्योंकि आप जब रेल और बस में यात्रा करेंगे, विद्यार्थियों ध्यान दें, आपके सहपाठी आपसे उठपटांग प्रश्न पूछेंगे, आप क्या करेंगे, कहेंगे उसको कि यार तेरी गाइड दे मैं पढ़ता हूँ। नए सवालों को पढ़कर अपने मन को हतोत्साहित न करें, आप अपना दिमाग ठंडा रखें। परीक्षा के एक दिन पहले, अब चूंकि 12 तारीख हो गई है, 13 की रात है, जिनके 15 को एग्जाम है 14 की रात है, दो रातें भरपूर नींद ले लें और खाना भरपूर अच्छा खाएं, दिमाग इतना भी नहीं खाना है कि हमें जो रिवीजन कर रहे हैं उसकी जगह नींद आ जाए, लेकिन अच्छा खासा खाना खाए, जूस और जो हम पानी, गर्मी का मौसम है, पानी पर्याप्त पिए जिससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। परीक्षा के हॉल में क्योंकि दिमाग हमारा ठंडा होगा, हम सवाल ज़्यादा सही करके आएंगे। और एक बात परीक्षा के हॉल में भी क्या सावधानियाँ रखनी, मैं ये भी बताऊँगा, लेकिन परीक्षा के हॉल में जाने से पहले आपको इतना ध्यान रखना है, दो दिन जो अब आपके पास है या कईयों के पास एक दिन ही है, भरपूर जो है वो कम से कम रात को 6 घंटे की आपकी पर्याप्त नींद हो, दिमाग ठंडा रहना चाहिए, दिमाग ठंडा रहेगा परीक्षा के अंदर काम करेगा, किसी के झांसे में नहीं आए। आपको खूब लोग कहेंगे कि पेपर आ गया, पेपर मिल सकता है, नहीं, आप अपनी तैयारी पर भरोसा करें, क्योंकि पेपर बाहर आ गया तो वैसे ही रद्द होगा, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से तैयारी करेंगे और परीक्षा के हॉल में अपनी मेहनत से अगर आप जाएंगे तो ये वर्दी आपका साथ देगी और आप सफल होंगे। दिमाग में रखें, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। आपने जो तैयारी की है अपनी तैयारी पर भरोसा करें, न परीक्षा कक्ष के किसी साथी पर, न किसी शिक्षक के ऊपर निर्भर रहे, आपको निर्भर रहना है केवल मात्र खुद पर, खुद के दिमाग पर। यह ध्यान रखना है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है और मैंने पढ़ाई की है, राजस्थान पुलिस विभाग ईमानदारी से, भरसक प्रयासों से जो बहुत ही पारदर्शितापूर्ण ये परीक्षा आप कराने जा रहा है, हमें राजस्थान पुलिस विभाग का साथ देते हुए इस परीक्षा में ईमानदारी से शरीक होना है और ईमानदारी से अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए इस परीक्षा के अंदर हमको चयनित होना है। ध्यान देना, अपने किसी भी नए मटेरियल को पढ़ने के बजाय जो भी आपने पढ़ा और एक दो दिन में जितना आप रिविजन कर सकते हो उतना करें, अगर थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो आप दो तीन महीने का लेटेस्ट करंट है वो भले ही आप बस में रेल में जाते समय थोड़ा देख लें, बाकी राजस्थान जीके को, भारत विश्व जीके को आप नया मटेरियल
बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के हॉल में भी जब आप जाते हैं, आप अपना दिमाग ठंडा रखें, पास में एक सिरदर्द की टैबलेट जरूर रख दें, ताकि अगर किसी का सिरदर्द, हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, सिरदर्द हो तो टैबलेट ले लें, लेकिन सिरदर्द नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी पर्याप्त पिए, जूस पर परीक्षा के दिन ज़्यादा खाने के बजाय जूस पर निर्भर रहे, ताकि पेट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और परीक्षा के अंदर जब हम जाए, बड़े सावधानी से अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमारे को ज़्यादा कोई बन ठन के नहीं जाना है, ज़्यादा कोई, क्योंकि कई बार क्या होता है, नई ड्रेस पहन कर जाते हो और परीक्षा के हॉल में भी आपका दिमाग तो अपनी नए पहनावे पर, हम किसी की बारात में नहीं जा रहे, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, सिंपल टी शर्ट पहन लीजिए, चाहे पजामा पहन लीजिए, पैंट पहन लीजिए, जो आपकी रेगुलर ड्रेसअप है उस रेगुलर ड्रेसअप में आप जाइए, आराम से आप अपनी परीक्षा दीजिए, निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा के अंदर अच्छा और बेहतरीन करके आएंगे। सिंपल पहनावे के साथ बस में और रेल में यात्रा करते समय किसी भी यात्री से उलझे नहीं, क्योंकि उलझने से उस यात्री का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया तो आपका उसका सीधा प्रभाव आपके परीक्षा के पेपर पर पड़ेगा। किसी भी यात्री से उलझने का प्रयास न करें। मानता हूं कि आप कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले यंग ब्लड है, युवा है, नौजवान है, लेकिन अपने गर्म खून का प्रदर्शन किसी भी बस और रेल के यात्री पर या अपने सहपाठी पर या बस और रेल के अंदर या फिर किसी टेम्पो चालक से भी जहां आप जाते हो वहां किसी से उलझने का प्रयास नहीं करना है। आपकी परीक्षा 14 तारीख को जहां है, 13 तारीख को आप उस सेंटर के जिले में पहुंच जाए, 15 तारीख को है तो 14 तारीख की शाम तक उस जिले में पहुंच जाए, क्योंकि भागम भाग में दिमाग, अगर आप परीक्षा के दिन परीक्षा से एक घंटा पहले उस जिले में पहुंचे हैं और वो सेंटर ढूंढने में आपको परेशानी होगी तो आपका दिमाग भी फ्रस्ट्रेट होगा और इस चक्कर में पेपर खराब होगा। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से पेपर, जहां पर भी अगर 5-7 लोग हैं तो आप किसी फोर व्हीलर के अंदर चले जाए, कोई गाड़ी के अंदर चले जाए, ताकि बस और रेल की भागम भाग से भी बच जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। दिमाग को परेशान नहीं करना है, सावधानी से जाना है, ठंडे दिमाग से पेपर को अटेंड करना है और खुद पर भरोसा सबसे ज़्यादा रखना है। जिन गुरुजनों ने आपको पढ़ाया उन गुरुजनों के पढ़ाए हुए ज्ञान पर भरोसा रखिए। कहीं भी किसी भी गुरुजन से आप पढ़े हो उसी पढ़े हुए ज्ञान का आप रिविजन कर लीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स का रिविजन कर लीजिए, नए मटेरियल को पढ़ने से बचिए। आपके दोस्त आपको उत्पटांग प्रश्न पूछकर उलझाने का प्रयास करेंगे, आप उस दोस्त को कहिए कि तेरे को आता है तो तेरे तक रखिए, मुझे मेरा ज्ञान पढ़ने दे, परीक्षा में जो आएगा वो देखा जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, नए मटेरियल के बजाय रिविजन पर ध्यान दें, रिविजन ही आपको सफलता दिलाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, परीक्षा के हॉल में जब आप जाते हो और पेपर को अटेंड करते हो तो 120 प्रश्न के अंदर सबसे पहले आप मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों में अपना समय खराब करने के बजाय आप सबसे पहले भाग स यानी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न करें। 61 से लेके 120 तक प्रश्न आपने किए उसके ऊपर टिक लगा दिए। देखिए कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, एक सवाल करेंगे, एक गोला भरेंगे, दूसरा करेंगे, दूसरा गोला भरेंगे। ऐसे अभ्यर्थी के साथ मिस्टेक कहां होती है, जैसे 15 सवाल कर दिए, 15 गोले भर दिए, 16वां 17वां 18वां सवाल छोड़ दिया और फिर 19वां किया, लेकिन गोला भरते समय वो भूल जाता है कि मैंने 2-3 सवाल छोड़ दिए और वो 16वें के अंदर गोला भरेगा और गोला गलत हो जाएगा। ये गड़बड़ी नहीं हो, आप पहले 61 से लेके 120 कर दे, फिर 61 से 120 ओएमआर सीट में जब गोला भरे तो देखे हाँ 61 है, ये 61 है, इसमें वो क्या 2 नंबर भरा है, अब ये 2 नंबर, फिर पहले एक बिंदु लगाए, फिर आप उस गोले को पूरा भरे। ध्यान दें, बिंदु लगाते हमको पता चल जाएगा 61 का 2, हाँ 2 में बिंदु लगा है, अब उस बिंदु को पूरा गहरा कर दे। ब्लू बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन ये अपने पास रखे, ध्यान दीजिएगा, 2 पेन अपने पास जरूर रखे, ताकि एक पेन खराब हो जाए तो दूसरा काम आए। और गोले भरते समय एक एक भरने के बजाय 61 से 120 पढ़ लिया, और उसमें भी किसी कोई जैसे बीच में 2-4 सवाल नहीं आ रहे आप उस पर रुके नहीं, आप 61 से 120 पढ़ ले, फिर 61वां ठीक है भर दिया, 62वां 62वां 63वां छोड़ दिया, चलो 63वां बाद में देखेंगे, 64वां 64वां ठीक है भर दिया। इस तरीके से आप ध्यान से सावधानी पूर्वक गोले भरे, पहले राजस्थान जीके कर ले, क्योंकि आप कांस्टेबल के अभ्यर्थी हो, मैं समझता हूं आपकी सबसे ज्यादा पकड़ राजस्थान जीके पे रही होगी, आपने राजस्थान जीके ज्यादा पढ़ा होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद 31 से लेकर 60 भारत और विश्व का जीके, भारत और विश्व के जीके में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है और सिलेबस आपका डिस्क्राइब था नहीं पॉइंट टू पॉइंट। अब सवाल कंप्यूटर से भी आ सकते हैं, भारत भूगोल से भी आ सकते हैं, भारत विश्व के इतिहास से भी आ सकते हैं, भारत के भूगोल से भी आ सकते हैं, सामान्य विज्ञान से भी आ सकते हैं, कोई जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, भारतीय संस्कृति से भी आ सकते हैं। तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल भी वहां पर घबराया नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान जी के पहले, क्योंकि राजस्थान जी के आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है तो राजस्थान जी के पहले पढ़ ले कर ले, उसके बाद राजस्थान जी के गोले। मैं पूरे 120 के गोले भी एक साथ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट आप करते करते 1.5 घंटा हो गया, मेंटल के क्वेश्चन में समय लगा तो ओएमआर सीट का प्रेशर आ जाएगा,
तो पहले रास्तान जी के गोले, फिर भाग ब के गोले, और भाग ब में अगर कठिन भी प्रश्न आ गए, ऐसे प्रश्न भी आ गए जो मुश्किल है, तो मुश्किल पेपर है तो मेरे अकेले के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए मुश्किल है ये मानकर चले। इसलिए घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से आपके प्रश्न हल करें, फिर आप मेंटल एबिलिटी के प्रश्न करें, उसके गोले भरें। पहला राउंड आप कोशिश करें 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा हो जाए, पीछे के आधे घंटे के अंदर आप वे सवाल करें जो पहले राउंड में आपको नहीं आ रहे थे, या जिसमें आपको 2 पे डाउट था 3 पे डाउट था। ऐसे सवाल जहां 2 में या 3 में आपको डाउट है वहां पे आप रिस्क लें। ऐसे सवाल जब जहां आपने सवाल में 4 में कोई उत्तर आपको पता नहीं, वहां जहां तक हो सके रिस्क ना लेने का प्रयास करें। बाकी अंतिम फैसला आपका अपना विवेक है। परीक्षा हॉल में पेपर तो आपको अटेंड करना है। परीक्षा हॉल के बारे में कहते हैं कि इनकमिंग फैसिलिटी बंद होती है और आउटगोइंग फैसिलिटी चालू होती है। लोग अक्सर परीक्षा के हॉल में भूलते ज्यादा है, याद कम आता है, तो दिमाग को ठंडा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आप जब भी सवाल को अटेंड करें, आप अपने उस दिन को जब आपने टॉपिक पढ़ा था उस दिन की गहराई में जाए कि हाँ मैंने ये चीज यहाँ पर पढ़ी थी। जिन सवालों में नहीं आया है, नहीं पूछा है, जैसे राजस्थान में या सॉरी जैसे भारत के किस प्रांत में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना, अब उसका अगर आपको जैसे मैं ट्रिक बता दूं, आब व तेल का यूज कम करो। आब यानी आंध्र प्रदेश, ब से बिहार, तेल तेल से तेलंगाना, यूज यूपी जम्मू कश्मीर, कम कर्नाटक महाराष्ट्र। अब उसके अंदर ऑप्शन आ गए कि निम्न में से किस प्रांत में विधान परिषद नहीं है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, राजस्थान में। आपने नहीं पढ़ा और आपने वहां देखते ही पहला कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, यस कर दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि वहां क्या लिखा नहीं। तो आप जिन प्रश्नों में नहीं पूछा है ना, उसमें प्रश्न के अंदर नहीं के ऊपर गोला कर दे, ताकि उत्तर लिखते समय भी दिमाग में रहेगा कि इस प्रश्न में हाँ नहीं का सवाल है और हमें नहीं के हिसाब से उत्तर देना है। ये थोड़ी सी बेसिक बात है, अगर आप ध्यान रखोगे, खुद पर भरोसा रखोगे, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी अफवाह में नहीं आए, बस और रेल के अंदर किसी यात्री से न उलझे, परीक्षा के हॉल में अपना दिमाग ठंडा रखे, नए सवालों के चक्कर में न पड़े, अपने सहपाठियों को नया प्रश्न पूछने का अवसर न दे। आप केवल मात्र अपना खुद का जो जीके आपने पढ़ा है उसी का अंतिम 2 दिन में रिवीजन करें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का जो समय था वो जा चुका है, अब केवल सेल्फ रिविजन का समय है। इसी पर भरोसा करते हुए आप अपनी परीक्षा दें। निश्चित रूप से वर्दी आपका इंतजार कर रही है, कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर आप सफल होने वाले हैं। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, सफलता मुझे जरूर मिलेगी, मंजिल में हासिल करके रहूंगा, इसी मादे के साथ, इसी भरोसे के साथ परीक्षा देने जाइए। भगवान आप सभी का भला करेगा। मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कांस्टेबल परीक्षा के अंदर आप सभी अभ्यर्थी सफल हो जाए। सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, 22 टीम की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, हमेशा जिसने संघर्ष किया वो जीता है, डार्विनवाद हमेशा जिंदा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्यतम है वो वरण करेगा, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत हर युग में चला है, जिन्होंने भी मेहनत की है उनको उनकी सफलता का प्रतिफल जरूर मिलेगा। इसी भरोसे के साथ कांस्टेबल परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष में जयते, आपका संघर्ष सफल होगा। जय।